हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर्स में ही वो है सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले हम वेक्टर्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, खासतौर पे वेक्टर्स को बनाना और उसके मैग्नीट्यूड पे। आज का टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने क्लास टेंथ में भी क्लास इलेवेंथ में भी ज्योमेट्री के पोर्शन में सीखा हुआ है, वही फॉर्मूला अब वेक्टर्स में भी अप्लाई होगा। ज़रा समझते हैं, यहाँ ओरिजन है, ओ ओरिजन 0 0 0 0 आई प्लस 0 j+0 के ओरिजन से एक पॉइंट ए पर आकर के मिला और ए पे पोजिशन वेक्टर है ए वेक्टर। तो जो ओ ए है, ये जो ओ ए वेक्टर है, ये ए में से ओ को माइनस करेंगे तो ए वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर ए वेक्टर ही बनेगा। ऐसे इस ओ से बी पर गए तो जो ओ बी वेक्टर है, बी में से ओ को माइनस करेंगे ओरिजन को तो ये बी वेक्टर ही बनेगा। और ए से जब बी को मिलाया तो ये ए बी वेक्टर भी बन गया। ठीक है, तो आप समझिए, जब हम एक्चुअली जब किसी भी वेक्टर पे, जब किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर दिया गया होता है, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ए पे पोजीशन वेक्टर 2i+3j+4k दे दिया, तो आप समझते होंगे कि ये तो अकेला एक पॉइंट है, अकेले एक पॉइंट से वेक्टर कैसे बन गया। एक्चुअली ये ओ ए था, 0i+0j+0k, ये कोई ओ ए लाइन थी, तो ओ ए लाइन से जो ओ ए वैक्टर बना वो इसमें से ये माइनस होकर के बना, तो वो ए की ही पोजिशन इन्होंने लिख दी कि ये खुद ए की ही पोजिशन थी। ऐसे ही ओ ए वैक्टर क्या बनेगा, ए में से ओ को माइनस करके ए वैक्टर माइनस जीरो वैक्टर, वो ए पे पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर बना रहा है और बी पे पोजिशन बी वैक्टर बना रहा है, ये ओ बी वैक्टर ही है। अब कोई लाइन आई जो इस ए बी को, कोई लाइन आती है जो इस ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करके जा रही है, कोई लाइन आई जो इस ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड करके जा रही है, तो बताइए यहां जो पॉइंट है सी, यहां वेक्टर क्या बनेगा। यहां जो सी है, इस सी पे पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इस ओरिजिन से इस पे क्या बनेगा। तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूले से हम करेंगे कि जो C पे पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, एम बी वेक्टर, एम बी वेक्टर मतलब ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या है बी, एम के साथ क्या आएगा ये ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर क्या है बी, प्लस एन ओ ए वेक्टर, तो ये रहेगा एन ए वेक्टर और नीचे इनका सम एम प्लस एन। लेकिन ये तब है जब ये कहा गया हो कि ये लाइन इस ए बी लाइन को इंटरनली कट कर रही है। कैसे कट कर रही है, इंटरनली। ये क्वेश्चन में लिखा आएगा कि वो इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली है। अगर इंटरनली है तो ये है, और अगर एक्सटर्नली कहे, अगर एक्सटर्नली कहे तो क्या होगा, फॉर्मूले में चेंज आएगा, यहां माइनस आएगा और नीचे भी माइनस आएगा। इंटरनली कहे तो प्लस आता है, एक्सटर्नली कहे तो माइनस आएगा। और इंटरनली एक्सटर्नली 3D में आप ऐसे पेपर पेज पे पेपर पेंसिल से आप नहीं बना सकते 3D सब ज्योमेट्रिकल फिगर, इसलिए हर क्वेश्चन में लिखा आएगा कि वो जो रेशियो है वो उसका इंटरनली है या एक्सटर्नली है। और बच्चे अगर मिड पॉइंट के बारे में पूछे तो मिड पॉइंट तो आप जानते ही हो, अगर इस ए बी वेक्टर का मिड पॉइंट पूछा जाए तो आप इन दोनों वेक्टर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये उसका मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके मिड पॉइंट क्या रहेगा, ए प्लस बी बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। चलिए अब हम इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 12.4, एक्सरसाइज 12.4 की शुरुआत करते हैं, जो एक छोटी सी और आसान सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में एक ओपी वेक्टर दिया गया। अब आप समझ लीजिए ओ से पी तक, यहां कोई पॉइंट पी था, तो जो ओपी वेक्टर बनाया गया है वो है 3a-2b। और ऐसे ही एक ओ क्यू वैक्टर दिया गया है, सपोज यहां पर ये पॉइंट क्यू था, और जो ओ क्यू वैक्टर बनाया गया है वो ए प्लस बी है, ए प्लस बी, यहां पी है, ये वाला पी है और ये है क्यू,
ठीक है, एक ओपी वेक्टर दिया गया है और एक ओ क्यू वेक्टर दिया गया है। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, पोजिशन वेक्टर निकालना है किस पे, आर पे। आपको ये सब नहीं बना के दिखाना, ये मैंने समझाने के लिए आपको कंसेप्ट बताया है, आपको क्वेश्चन में तो सीधे ही करना है। एक पॉइंट निकालना है आर विच डिवाइड द लाइन पी क्यू। अब लाइन क्या बनेगी, लाइन पी क्यू बनेगी जो इस पी क्यू लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। किसमें, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। और कैसे डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो कह रहा है कैसे, इंटरनली ए पार्ट में कह रहे हैं पॉइंट निकालो जब वो उसको इंटरनली कट कर रहा हो। तो इंटरनली अगर कट कर रहा है तो पॉइंट आर पे, आर पे जो पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना भाई बच्चे, पी है क्यू है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई। बच्चे इस Q के ऊपर वेक्टर क्या था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, वो तो ओरिजन है, और P पे क्या था, 3A माइनस 2B। तो पहले क्या निकालेंगे, 2 टाइम्स दिस, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2A प्लस 2B, बीच में प्लस, इंटरनल ये तो बीच में प्लस आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई, ये आएगा 3A माइनस 2B डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर दें, नीचे दोनों को ऐड करेंगे 2+1, ये आ जाएगा 3, 2B से 2B कैंसिल, तो R पे जो पोजीशन बनेगी 5A वेक्टर अपॉन 3, 5/3A वेक्टर, ये इंटरनली आ गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नली पे, एक्सटर्नली पे जब हम बात करेंगे, इसी में ही पूछा गया है कि इस बार जो ये रेशियो है 2:1 वो एक्सटर्नली है। अगर ये एक्सटर्नली दिया गया है तो जो आर पे पोजीशन बनेगी, देखिए पी क्यू एस, सॉरी पी क्यू ऐसे है ना, और 2:1 दिया गया है, 2:1 दिया गया, तो 2 को इस क्यू वाले से मल्टीप्लाई, 2 को इस क्यू वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2A प्लस 2B, अब की बार बीच में माइनस आएगा, 1 को इस पी वाले से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -3A और +2B हो जाएगा बच्चे, क्योंकि बीच में माइनस आएगा तो साइन चेंज, और नीचे भी माइनस आएगा 2-1, तो आर पे जो पोजीशन बनेगी वो आएगी -A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर, और नीचे तो 2-1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये इंटरनली से आ गया, ये एक्सटर्नली से आ गया। आप आसानी से फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, दोनों में यही बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करें तो मिड पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ज्वाइनिंग दिया गया है, पी दिया हुआ है 2i+3j+4k, और पॉइंट क्यू दिया हुआ है, पॉइंट क्यू हमारे पास है 4i+j-2k। प्यारे बच्चों इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट आप निकाल दीजिए, इसका जो मिड पॉइंट आएगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों को ऐड करो, दिस 6i, ये और ये हो गए +4j, ये और ये हो गए 2k, और इसको 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 3i कैप, ये बनेगा +2j कैप, ये बनेगा +k कैप, ये इनका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, 3 तक आप सारे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चे, इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। सबसे पहले तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और फिर ये बताना है एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स AC, और ये बताओ कि बी जो है इस AC को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी ये पूछे कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम अपनी तरफ से रेशियो K:1 मानेंगे। एक्चुअली M:N होता है ना, दोनों को N से डिवाइड कर दिया, M/N 1, तो इस M/N को K कह दिया।
तो के रेशो वन होगा, के हमारे लिए एम बाई एन है, ठीक है, हमने के रेशो वन मान लिया। अब ये कहा गया है कि सबसे पहले तो बताओ कि कोलिनियर है, और एज वेल एज ये बताओ कि बी से ए सी को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। तो कोलिनियर जो हम कोलिनियर प्रूव करने वाला खेल खेलेंगे ना, कोलिनियर प्रूव करने वाला जो हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसी से ही हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये रेशियो कितना है। तो अब आपको क्या करना है, हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूले। बच्चे सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट बी निकल करके आएगा ना, और जब कुछ भी ना कहा गया हो, जब आपसे क्वेश्चन में इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी नहीं कहा गया हो, तो अंडरस्टूड है इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाना है। जब कुछ भी ना कहा गया हो तो क्या लगाना है, इंटरनली लगाना है। तो इंटरनली के लिए क्या बनेगा, 11k प्लस 1 डिवाइडेड बाय इनका सम k प्लस 1, ऐसे ही 3k माइनस 2 और डिवाइडेड बाय इनका सम k प्लस 1, ऐसे ये आएगा 7k माइनस 8 डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ये सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट बी आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पॉइंट बी है वो ये गिवन है ना, और सेक्शन फॉर्मूले से भी पॉइंट बी आया है, इसका मतलब ये इक्वल है 5k। 11k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 11k प्लस 1 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, यहां आकर के 6k इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 4, तो यहां से k आ गया 4/6, ये आ गया 2/3, k की वैल्यू 2/3 आ गई। अब आपको क्या करना है, ये इक्वल है 0k, 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सब 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहां से आ गई 2/3, ऐसे ये इक्वल है माइनस 2k, 7k माइनस 8 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 7k माइनस 8 इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस 2k माइनस 2, यहां आकर के प्लस, तो ये हो गया 9k, यहां आकर के प्लस, ये हो गया 6, k की वैल्यू आ गई 6/9 और ये आ जाएगा 2/3, k की वैल्यू आ गई 2/3। अगर इन तीनों से k की वैल्यू सेम आती हो, अब देखिए तीनों से k की वैल्यू सेम आ गई, यहां यहां यहां, अगर इन तीनों से k की वैल्यू एक जैसी आ रही है तो हम कहेंगे दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ये इस बात का प्रूफ हो गया, और रेशियो भी आ गया, के रेशियो वन माना था ना, तो के कितना आया 2/3, रेशियो वन तो कितना बनेगा 2:3, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2:3 का रिजल्ट आएगा, यही रेशियो में फाइंड आउट करना था। अगर इन तीनों से किसी एक से भी अगर के की वैल्यू इनके जैसी नहीं आती, तीनों में से कोई भी अगर एक के की वैल्यू बाकी दो से अलग आती, तो हम कह देते कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। आसान सा क्वेश्चन आप नोट कर लें, 5, 6, 7 ये तीन क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे स्टेटमेंट है, इफ पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगनल्स ए सी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आई मीन हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, जो ए सी और जो बी डी है ये इसके दो डायगनल हैं, डायगनल ए सी एंड डायगनल बी डी, जो एसी डायगनल है इसका मिड पॉइंट हो गया पी, लेट अस सपोज यहां मिड पॉइंट पी हो गया, और जो सी जो बी डी है इसका मिड पॉइंट हो गया क्यू। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, दो डायगनल एसी और बी डी, एसी का मिड पॉइंट है पी और बी डी का मिड पॉइंट है क्यू। तो कह रहे प्रूव कीजिए
ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल आएगा 4 टाइम्स पी क्यू वेक्टर के इक्वल आएगा। इन सब का रिजल्ट 4 टाइम्स पी क्यू वेक्टर आएगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली जो 12.1 एक्सरसाइज है, जो मैंने कहा कि बाद में करना, लास्ट में जब पूरा वेक्टर हम कर लेंगे तो आप उसको कर सकते हो, एक्चुअली उस फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो वो कैसे करना है, देखो जब भी कभी ऐसा प्रूव करना हो और ये गिवन हो तो आप ऐसे डायग्राम बना लें। डायग्राम बनाने के बाद आप इन पे पोजिशन वैक्टर अपनी तरफ से कंसिडर करें। यहाँ पोजिशन वैक्टर ए है, यहाँ पोजिशन वैक्टर बी, पोजिशन वैक्टर सी, पोजिशन वैक्टर डी, ठीक है। जो P है वो AC का मिड पॉइंट है, तो P पे पोजीशन क्या बनेगी, A प्लस सी बाई टू, इन दोनों वेक्टर का सम अपॉन टू। Q क्या है, BD का मिड पॉइंट, तो Q पे पोजीशन क्या बनेगी, B प्लस डी बाई टू, ये Q पे पोजीशन हो गई। अब हमें प्रूव ये करना है, तो चलिए जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलते हैं। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो निकालिए ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर का मतलब क्या हुआ, बी वैक्टर में से ए वैक्टर को माइनस करेंगे, तो ये आएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, ए डी वैक्टर का मतलब क्या होगा, डी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ऐसे सी बी वैक्टर, सी बी वैक्टर का मतलब हो गया बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, सी डी वैक्टर का मतलब हो गया डी वैक्टर माइनस सी वैक्टर, राइट। ऐसे आप निकाल सकते हैं ए बी बी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी एंड डी माइनस सी। तो ये बन गया आपका b प्लस बी टू बी वैक्टर, ये बन गया माइनस टू ए वैक्टर, राइट, प्लस टू डी वैक्टर और माइनस टू सी वैक्टर, पूरे से टू कॉमन, टू कॉमन, तो ये बन गया b प्लस डी माइनस ए माइनस सी। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया। अब हम इस पे राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड में कितना निकालना है, 4 टाइम्स पी क्यू वैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, 4 टाइम्स पी क्यू वैक्टर। सो 4 टाइम्स पी क्यू वैक्टर मतलब क्यू में से पी को माइनस करेंगे, क्यू में से पी को माइनस करो, क्यू कितना है, बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू माइनस पी वैक्टर, पी वैक्टर कितना है, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। सो 4 टाइम्स 2 कॉमन आ गया, यहां बच गया बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, यहां ये कैंसिल, सो दिस इज ऑल्सो 2 टाइम्स बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये इक्वल आ गया 4 टाइम्स पी क्यू वैक्टर के, जो गिवन है उस पर हमने देखा पोजिशन वैक्टर कंसिडर किया और हमने सोल्व किया। चलिए 6-7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। बच्चे ये थ्योरम आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, कहता है कि किसी भी कोई ट्रायंगल एबीसी, प्रूव करो किसी ट्रायंगल एबीसी में उसकी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को लेकर के, जैसे एक साइड है ए बी एक साइड है ए सी, इन दोनों के मिड पॉइंट को लेकर के जो मैं लाइन ज्वाइन करूंगा वो लाइन इस सामने वाली लाइन के पैरेलल होगी और एग्जैक्ट इसके हाफ होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसको वेक्टर मेथड से करते हैं, आपने 9th क्लास में ज्योमेट्री मेथड से क्या होगा, क्या करना है आपको, आप यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए बी सी कंसिडर करें। ये पी इस ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो ये बनेगा ए प्लस बी बाई टू, जो क्यू है यहां पर वो इस ए सी का मिड पॉइंट हो गया, ये बनेगा ए प्लस सी बाई टू। हमें क्या करना है, हमें ये पी क्यू वैक्टर निकालना है,
हमें क्या प्रूव करना है, ये पी क्यू इस बी सी के क्या हो, पैरेलल हो और इसके हाफ हो। तो आप पी क्यू वेक्टर निकाल लीजिए क्यू में से पी को माइनस करके, ए प्लस सी बाई टू माइनस पी कितना, ए प्लस बी बाई टू। सो पी क्यू वेक्टर हाफ एलसीएम आ गया, तो ये बनेगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल। सो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ सी माइनस बी आ गया ना, और बच्चे हाफ ऑफ एक्चुअली सी माइनस बी हमारे लिए बी सी वेक्टर ही तो है। जब बी सी वेक्टर निकालते तो सी माइनस बी आता ना, तो क्या देखा, अगर ये पी क्यू वैक्टर हाफ ऑफ बी सी वैक्टर है तो मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पी क्यू पैरेलल है बी सी के, वैक्टर्स पैरेलल तो इन इन दोनों से ज्वाइन करने वाली जो लाइंस है वो लाइन पैरेलल। तो अगर कोई एक वैक्टर दूसरे वैक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है तो वो दोनों लाइन्स पैरेलल है, प्रूव हो गया। और ये भी प्रूव करना है कि इसकी लेंथ इसके हाफ है, बिल्कुल है, लेंथ के लिए मुझे मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। सो पी क्यू वैक्टर मैग्नीट्यूड यहाँ पे तो हाफ ही रहेगा और बी सी वैक्टर मैग्नीट्यूड, तो एग्जैक्ट आप क्या देख रहे हो कि जो पी क्यू की लेंथ आएगी पी क्यू वो हाफ ऑफ बी सी ही तो है, ये इसमें प्रूव करना था, ये पूरा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, आप क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखें, और क्वेश्चन नंबर 7 पीछे एग्जांपल नंबर 6 है बिल्कुल उसी की तरह। आप क्वेश्चन नंबर पहले आप एग्जांपल 6 करेंगे, एग्जांपल 6 को समझ करके आप 7 इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चले ये एक्सरसाइज 12.4 हमारी कंप्लीट हो गई, सेक्शन फॉर्मूले पे बेस थी। अब इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज हमारी रह गई है, जिसमें एक में तो हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है और एक में हमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। सो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।